नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु चर्चा का आनंद ले रहे हैं और इसके बारे में चर्चा बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा समाज, विश्व मानवता एक संकट से दूसरे संकट में प्रवेश करती जा रही है, लेकिन इसका कोई निदान नज़र नहीं आता है। तो निदान तो प्रभु में ही है, इसलिए प्रभु को अच्छी तरह समझना, लोगों को समझाना, अब प्रभु के संबंध में समष्टि मानसिकता बनाना, यह हमारा आज का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और आप लोग भी जब प्रभु के बारे में समझेंगे, जानेंगे, तो ऐसा ही महसूस करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो हम लोगों के बीच में जो चर्चा हो रही थी वो न्याय व्यवस्था की, तो न्याय व्यवस्था में पांच तरह के मुख्य अपराधियों के बारे में मैंने चर्चा किया, जन्मगत अपराधी, अभ्यासगत अपराधी, मैंने बाई बॉर्न क्रिमिनल, हैबिचुअल क्रिमिनल, उसके बाद जो परिवेशगत इन्वायरमेंटल क्रिमिनल, फिर अभाव के कारण माने आर्थिक अभाव और मानसिक अभाव, मन के डोगमेटिक होने से और आर्थिक रूप से विपन्न होने से भी अपराध करते हैं लोग। और पांचवा है कि टेम्पररी मेंटल वीकनेस से जो अपराध होते हैं, लेकिन इन पांचों से ही केवल अपराध होते हैं ऐसा करके पूरी तरह वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर होते हुए भी अपराध करते हैं, जिसके बारे में भी मैंने जिक्र किया था कि जैसे कोई नशे में है उसमें कर दिया, किसी तरह की सामाजिक उत्तेजना में अपराध कर दिया, या कोई प्रॉपर्टी का, संपत्ति का, किसी वस्तु के लेकर के मन में लालच के कारण या क्रोध वृत्ति के कारण अपराध कर दिया, या किसी की मान मर्यादा इस पर चोट लगी हो, गुरुतर आघात लगा हो, या कहीं किसी तरह की दुश्मनी हो किसी कारण से, पुश्तैनी या वर्तमानकालिक, उसके कारण अपराध कर दिया, या कोई गुरुतर मतभेद हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो उससे अपराध कर दिया। तो इस तरह जो अपराध है उनको यद्यपि वर्गीकरण किया गया है, लेकिन फिर भी जो न्यायाधीश हैं, न्यायपति हैं, उनका ये कर्तव्य है देखना कि अपराध का मूल कारण क्या है, और उस कारण को समझ करके और तब जो है उसके बाद उसके लिए दंड विधान या सुधार की व्यवस्था करनी चाहिए। और ये जो दंड विधान है, ये तो हमने पहले ही कहा कि मनुष्य मनुष्य को दंडित करे, ये बहुत युक्तिसंगत बात नहीं लगती है, क्योंकि कोई अपराधी है या निर्दोष है यह पता लगाना भी इतना सहज काम नहीं है, क्योंकि न्यायाधीश या तो गवाहों के वक्तव्य को सुनते हैं या जो दस्तावेज उनके सामने पेश किए जाते हैं उसके आधार पर अपना विचार बनाते हैं, तो ये दोनों में ही फर्जीवाड़ा चलता है, लोग तरह तरह से मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। तो इसीलिए प्राउड की ऐसी सोच है कि उनके साथ एक गुप्तचर विभाग भी जुड़ा रहना चाहिए, जो गुप्तचर विभाग गुप्त रूप से जा करके और सच्चाई पता लगा करके और उसके बाद उनको सूचना दे, ताकि उनको निर्णय लेने में सुविधा हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतने तरह से अपराध होते हैं, और अपराध मुक्त जरूर हमारा समाज होना चाहिए, क्योंकि अपराध के होने से सामाजिक शांति और श्रृंखला दोनों ही भंग होती है, अशांति आ जाती है, बिखराव आ जाता है, मनमुटाव, मनोमालिन्य आ जाता है। तो इसीलिए ये अपराध मुक्त हमारा समाज हो, इसके लिए सुचेष्टा हम सबका करना प्रयास है। तो अभी तक तो कुछ अपराधों के भेद और उनके संस्कार संशोधन मूलक और दंड मूलक चर्चा हम लोग करते रहे हैं। तो अंत में हम लोग इस बात पर आते हैं कि न्याय संहिता हमारी कैसी होनी चाहिए। जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था में न्याय संहिता का बहुत बड़ा योगदान है।
तो न्याय संहिता बनाने में बहुत सी बातों को चिंतन की ज़रूरत है, लेकिन अभी मुख्य बात यही कहूँगा कि जो प्रायः अपराध के बारे में जो चिंतन है लोगों का, वो पाप और पुण्य की धारणा पर आधारित होता है। और पाप और पुण्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं या अतीत के धार्मिक पुरुषों के जो वचन हैं, उनके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न काल में विभिन्न तरह की धारणाएं हैं। इसीलिए अब जैसे एक पराशर संहिता एक तरह का है, उसी तरह से रामायण कालीन एक तरह की व्यवस्था थी, महाभारत कालीन एक और तरह की व्यवस्था थी, मनु संहिता में कुछ और बातें हैं। तो ये सब देश काल पात्र के अनुसार तरह तरह की बातें होती हैं। तो सबके विचारों के अनुसार अलग अलग न्याय व्यवस्था हो, अलग अलग न्याय संहिता हो, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए प्रभुत्व का सोचना है कि एक सामान्य संहिता सबके लिए होनी चाहिए, पूरे विश्व के लोगों के लिए होनी चाहिए। और इस हिसाब से प्रभुत्व एक विश्व सरकार की परिकल्पना को भी लेकर काम कर रहा है कि विश्व सरकार हो जो कानून बनाए, तो विश्व में किसी कहीं पर भी कोई अल्पसंख्यक या कमजोर वर्ग है तो उसको कोई सताए नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं करे, इसके लिए वो उस तरह के कानून बना सकता है, क्योंकि वो विश्व संस्था है। और ये विश्व संस्था के लिए भी बहुत सी बातें उन्होंने बताई हैं श्री प्रभात रंजन सरकार ने, लेकिन अब यही कहूँगा कि हमारी सोच वैश्विक होनी चाहिए। और इस वैश्विक सोच कि हम सभी एक पिता की संतान, एक माता पिता की संतान हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, इसीलिए हमारा संग्राम या संघर्ष होगा तो पाप शक्ति से होगा, व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति के दुष्ट आचरण से, उसके पापात्मक आचरण से होगा। वो आदमी जब सुधर जाए, जब रत्नाकर वाल्मीकि बन गया, तो थोड़े ही वाल्मीकि के खिलाफ हम लोग जो है सो कोई कार्रवाई करेंगे। तो इसीलिए एक वैश्विक सोच होना ये सबसे आवश्यक है, जिससे सबके कल्याण की बात मन में आए। तो इसे न्याय संहिता के लिए एक न्यूनतम नैतिक मान होना चाहिए कि नैतिकता पर आधारित हो, जो सबों के लिए कल्याणकारी हो। तो इस नैतिक मान का जो व्यास ने बहुत पहले बहुत अच्छी बात कही, उसको हम लोग स्वीकार कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। पाप और पुण्य की परिभाषा उन्होंने कहा कि मैंने तो 18 पुराण लिखे, लेकिन उसमें बहुत सारी कथा कहानियां हमने दी हैं, कल्पित भी कथा कहानियां हैं, तो लेकिन मैं दो ही बात समझाना चाहता था कि परोपकार पुण्य है और पर पीड़ा पर दुख ये पाप है। तो हम पाप और पुण्य का और कोई धर्माश्रित जो ग्रंथ हैं या जो वाणियाँ हैं महापुरुषों की, उसको नहीं लेकर के हम लोग ये देखें कि व्यक्ति का शारीरिक मानसिक अभ्युत्थान जिससे हो, और समाज की भी सर्वात्मक प्रगति हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, हर तरह से उन्नत हो, कोई आदमी कष्ट नहीं महसूस करे, सभी सुखी हों, इस तरह की व्यवस्था का निर्माण करना ये नैतिक मान होना चाहिए। और ऐसा नैतिक मान में उद्देश्य यही है कि मन जो है सो वैश्विक हो, सभी को अपने मन के भीतर में रख करके सबके कल्याण की बात सोचेंगे। और इसी के लिए आध्यात्मिकता का होना आवश्यक है। केवल नैतिकता अगर है तो जैसे कोई 2000 का घूस नहीं लिया तो 2 लाख का हो सकता है ले ले, 2 लाख का नहीं है तो 2 करोड़ का ले ले, 2 करोड़ का नहीं लिया तो 10 करोड़ का, 100 करोड़ का। जब किसी को काम कराना है और समर्थ है तो कोई भी रकम खर्च कर सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उसका मन विचलित नहीं हो, नैतिकता से, नैतिक आचरण से, नैतिक मूल्यों से, किसी को दुख देके सुख लेने की कोई चेष्टा उसके मन में नहीं होनी चाहिए। यह एक बहुत आवश्यक तत्व है जिस पर जो न्याय संहिता बनाते हैं उनको ध्यान देना आवश्यक है। तो इसीलिए जो न्याय संहिता होगी उसमें जो नैतिक मान होगा उसका जो परिभाषा होगी कि परोपकार पुण्य है, पर पीड़ा पाप है। इसीलिए किसी के अहित की बात नहीं होगी, किसी के बुराई की बात नहीं होगी, सभी के मंगल कामना को लेकर के ही उस चीज़ का निर्माण किया जाएगा।
और इसीलिए जो दंड संहिता में जो संस्कार सुधारने की बात है, संशोधन मूलक जो व्यवस्था है, उसके साथ साथ जरूरी ऐसी दंड की भी व्यवस्था रहनी चाहिए जिससे कि अपराधी अपराध करने पर उसके मन में एक डर हो कि ऐसा करने से हमको ऐसा परिणाम मिल सकता है। तो बहुत से अपराध इससे भी कम हो सकते हैं कि दंड के भय से नहीं करे। लेकिन जहाँ एकदम जन्मगत है या अभ्यासगत है, ये दो खास करके अपराध बहुत भयंकर होते हैं और इनको इतना आसानी से नहीं सुधारा जा सकता है, तो उनको तो अलग ही उनके लिए कारागार होना चाहिए, जेल होना चाहिए, जिससे और लोगों में उनके दुर्गुण नहीं प्रवेश कर जाएं। तो इस तरह से दंड संहिता और संशोधन मूलक संहिता, ये दोनों का प्रावधान रहेगा। और जो कारागार है वो कारागार के जो अध्यक्ष होंगे, जो सुप्रिटेंडेंट होंगे, वे भी जज से कम योग्यता वाले नहीं होंगे। जैसे जज को, न्यायपति को पक्षपात रहित होना चाहिए, नैतिकता से भरपूर होना चाहिए, वो भरसक पूरी तरह से कोशिश करके यही देखेगा कि अपराधी किस कारण से अपराध किया है, कारण को जानकर उसी के अनुसार से दंड विधान या संशोधन विधान वो करेगा। तो उसमें जितने तरह की विशेषताएं हैं, अच्छी विशेषताएं हैं, ये सब काराध्यक्ष में भी होनी चाहिए। वो भी एक सुधार गृह का अध्यक्ष है और उसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक विशेषता होनी चाहिए कि वह मनोविज्ञान का जानकार होने से अपराधियों को अच्छी तरह से वो समझ सकता है और अपराधियों के बारे में जो उनके जो मूल कारण है उसको दूर करने में अपना योगदान दे सकता है। तो इस कारण से न्याय संहिता जरूर ऐसी हो जिससे कि लोगों को न्याय मिले, अपराधी अपराध करने से बचें। इसीलिए जो अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि जो प्रतिरोधक के जो व्यवस्था है वो औषधि से, उपचार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे किसी को ग्लैंड की या किसी चीज़ को नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी से, मन की विकृति से कोई अपराध करता है तो उसका हम इलाज करेंगे, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़िया होगा ऐसा वातावरण ही हम बना दें कि उसके अंदर अपराध के भावना ही नहीं आए। जैसे कोई 2 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ में मन हिल जाता है, तो इसलिए हम ऐसी परिवेश बनाएं कि उसके मन में घूस लेने के, रिश्वत लेने की कोई भावना ही नहीं जगे। तो ये एक अत्यावश्यक कार्य है जो न्याय संहिता बनाने वालों को करना है। उसके बाद एक और चीज़ जो ध्यान में रखने की है न्याय संहिता में, कि लोगों को न्याय सुलभ हो। अभी इतने धन की ज़रूरत होती है कि आदमी, गरीब आदमी तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच भी नहीं पाता है भारतवर्ष में, वो कहाँ से इतना धन आएगा उसको। इसीलिए सुलभ हो, इसके लिए अवैतनिक जज भी रखे जा सकते हैं जो समाज में सज्जन हैं, जिम्मेदार हैं और जो रिटायर्ड हैं, जिनको कोई ऐसी दायित्व तो नहीं है, उनको लेकर के ये कोशिश हो, चेष्टा हो कि वे अवैतनिक सेवा दें समाज की। लेकिन फिर ध्यान रखने की बात है कि बहुत से देशों में अवैतनिक जज भी रखे जाते हैं, तो ये या तो पैसे वाले हैं या कोई न कोई खुशामद करके, कोई न कोई रिकमेंडेशन से अपने को वहाँ बहाल कर लिया और फिर जो है वो जैसी इच्छा होती है वैसा वो करते हैं। तो एक तो ऐसी घटना सुनने में आई कि कोई जज थे अवैतनिक, तो उन्होंने अपने पेशकार को, जो रीडर है, उसको कह दिया था कि किस तरह का फैसला देना है। तो अगर किसी को दंडित करना है तो फलाने नाक से वो नसवार जो होता है वो डालेगा, और अगर किसी को छोड़ना है तो दूसरे नाक से डालेगा। तो मतलब कि जो पैसा दिया उसके पक्ष में काम हो, इसके लिए किस बाएं से डालना है, दाहिने से डालना है, इस सब पहले से निश्चित करके और उसको उसी तरह से न्याय दिया जाता था। तो इसमें न्याय का दुरुपयोग है, न्याय का एक तरह से अपहरण है, ये न्याय नहीं होता है। इसीलिए अवैतनिक भी हो, एक तो जजों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए जिससे कि जज जो है केवल डेट पर डेट नहीं देते जाएं केस के भार के कारण और लोगों को, वकीलों को हर बार फीस देनी पड़े, तो जल्दी से जल्दी निपटारा कर लें केसों का,
ये भी समाज के लिए एक बहुत ही लाभदायक चीज होगी, नहीं तो ये बोझ रहेगा, ऐसी इस तरह की व्यवस्था बोझ स्वरूप रहेगी। तो इस चीज को हम लोग न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर और अवैतनिक न्यायाधीशों को भी बहाल करके इसको कम कर सकते हैं, दूर नहीं भी करें तो बहुत कम कर सकते हैं, और सब लोगों के लिए न्याय व्यवस्था सुलभ हो जाएगी। इसीलिए इसी को ध्यान रखना है कि जिस तरह से सरसों से भूत झारा जाता है, लेकिन अगर सरसों में ही भूत घुस जाए तो फिर वो कैसे कभी भी भूत को नहीं निकाला जा सकता। उसी तरह जो न्याय व्यवस्था की कमियां हैं उसको एक सुरुचिपूर्ण सुसंगत और युक्ति संगत न्याय संहिता बना करके हम इस कमी को दूर कर सकते हैं और सब लोगों के लिए न्याय व्यवस्था सुलभ हो सकती है और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। नमस्कार।